लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. राइट मीटर और सेंटीमीटर इन द ब्लैंक स्पेस. ए माई पेंसिल इज अबाउट 10- लॉन्ग. मेरी पेंसिल 10 कितनी बड़ी है? विल इट बी सेंटीमीटर और मीटर? मैंने अभी आपको बताया कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनकी लेंथ सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं. तो आपकी पेंसिल भी तो स्मॉल हुई ना, तो हम उसे किस में मेज़र करेंगे? सेंटीमीटर में. तो आपकी जो पेंसिल है वो कितने 10 सेंटीमीटर बिग होगी या मीटर? यस, इट विल बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. बी माई हाइट इज़ अबाउट 90- आपकी हाइट 90 सेंटीमीटर है या मीटर है? 90 मीटर तो बहुत हो जाएगी, बहुत 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 बड़ी हो जाएगी. नो, योर हाइट विल बी 90 सेंटीमीटर. ओके, यू हैव टू डू सी डी ई ऑन योर ओन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी सॉरी क्वेश्चन नंबर 6. राइट द लेंथ ऑफ ईच. यू कैन सी सम स्केल्स आर मेड. क्वेश्चन नंबर ए, देयर इज अ स्केल. इट इज़ फ्रॉम 0 to 15 centimeter. ओके, ये 0 to 15 centimeter, पूरा 15 centimeter का एक स्केल है. एंड वी हैव टू टेल द लेंथ ऑफ अ मैच स्टिक. ओके, सो लेट्स सी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1, देन 1 to 2. यस, वॉट डिड वी गेट? वी गेट 2. दैट इज़ द लेंथ ऑफ मैच स्टिक. सो वॉट विल वी राइट हियर? 2 centimeter. On the basis of question number A, you have to do question number B and C. Okay? Let's see question number 7. Using a ruler, measure the length of the following lines. As I have told you in question number 6, मैंने आपको scale का use करना question number 6 में बताया है. So you have to do the question number 7 by yourself. आपको स्केल लेके, रूलर लेके आपको ए टू बी लेंथ मेज़र करनी है वाया स्केल. आप स्केल को यूज़ करोगे, रूलर को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. द फॉलोइंग डायग्राम शोज द लोकेशन ऑफ हाउसेज ऑफ 4 चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल. ओके, देर इज़ अ स्कूल, आप देख रहे हो. इस स्कूल से 4 चिल्ड्रन का डिस्टेंस बताई गई है, ठीक है? और उसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड वी हैव टू सॉल्व देम. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ए. हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम सीताज हाउस. सीता के घर से स्कूल कितना दूर है? तो सबसे पहले वी विल सी कि सीता का घर कहाँ पे है. लेट्स सी, सीता का घर यहाँ पे है. और सीता के घर से स्कूल कितनी डिस्टेंस पे है? इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ रिटन हियर, दैट इज़ 350 meter. सो वॉट विल बी राइट हियर? 350 meter. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. रीता फर्स्ट वॉक्स टू द स्कूल. रीता पहले स्कूल जाती है एंड देन वॉक्स टू सीताज हाउस. और उसके बाद में वो सीता के घर जाती है. रीता पहले स्कूल जाती है और उसके बाद में वो सीता के घर जाती है. हाउ फार डज रीता वॉक, यानी रीता कितनी दूर चली, कितना उसने वॉक किया. सो लेट्स सी कि रीता सबसे पहले स्कूल गई. रीता का हाउस, यस रीता का हाउस ये है. और रीता के स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 500 meter. यानी कि रीता 500 meter वॉक करी, उसके बाद में वो सीता के घर में गई. सीता का घर स्कूल से कितनी डिस्टेंस पे है? 350 meter. तो रीता 500 meter पहले चली, उसके बाद में उसने वॉक किया 350 meters. ओके, तो इसमें हमें क्या देखना है कि रीता ने कितना वॉक किया है. तो रीता ने 500 प्लस 350 मीटर्स वॉक किया है. तो वॉट विल वी डू? वी विल एड 500 एंड 350. नाउ आई विल एड
वंस प्लेस पे 0+0 इज इक्वल टू 0। ऑन टेंस प्लेस 0+5 0+5 इज इक्वल टू 5। नाउ कम टू द हंड्रेड्स प्लेस 5+3 इज इक्वल टू 8। सो व्हाट इज आवर आंसर 850। यस दैट विल बी आवर आंसर। रीता वॉक्स 850 meters। ओके सो आई होप यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। गुड बाय।